वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी के टारगेट ओवरसीज फास्ट बॉलर के बारे में, जहां पे एक नाम आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा आरसीबी के फैन से कि वो ज़रूर डिमांड करेंगे कि आरसीबी की मैनेजमेंट क्या देखा जाए, मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में शामिल कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। अब देखिए, मिचेल स्टार्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आरसीबी की टीम में या फिर कहो आरसीबी के फैंस में। देखा जाए आरसीबी की टीम से, मेरे हिसाब से आज से 10 साल पहले वो खेला भी करते थे आरसीबी की टीम के लिए। उन्होंने 2 सीजन खेले हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल की थी। और आईपीएल 2024 में तो मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तभी देखा जाए कहीं ना कहीं केकेआर की टीम देखा जाए ट्रॉफी जीत पाई। क्योंकि अगर मिचेल स्टार्क पावर प्ले में ट्रेविस हेड हो गए या फिर अभिषेक शर्मा हो गए, इन्हें आउट नहीं करती, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती थी केकेआर टीम के लिए, क्योंकि ट्रेविस हेड या फिर अभिषेक शर्मा में से किसी एक का बल्ला चलता है। तो जाहिर सी बात है आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों को टोटल बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें आरसीबी टीम, क्या मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में शामिल कर पाएगी, देखिए इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आरसीबी टीम को एक अच्छा खासा ओवरसीज फास्ट बॉलर चाहिए पड़ेगा मोहम्मद सिराज के साथ और यश दयाल के साथ, कहीं ना कहीं जो देखा जाए इनके लिए अच्छी खासी बॉलिंग कर सके डेथ ओवर में। अब देखिए पावर प्ले के लिए इनके पास तो कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज हो गए और यश दयाल का ऑप्शन रहेगा, लेकिन अगर इनके पास डेथ ओवर में मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर आ जाता है जो देखा जाए क्रंच सिचुएशन में देखा जाए अच्छी खासी बॉलिंग कर सकता है, क्योंकि आरसीबी टीम हमेशा लैग कर जाती है। जैसे कि टॉप फोर के मैचेस होते हैं, एलिमिनेटर होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, यहाँ पे आरसीबी टीम बहुत बुरी तरीके से हारती है, यहाँ पे आरसीबी के बॉलर्स विकेट नहीं निकाल पाते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए पड़ता है लाइक मिचेल स्टार्क जैसा। देखिए मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस स्टार्टिंग के आईपीएल में तो बहुत ज़्यादा बेकार थी, मतलब इतनी ज़्यादा पिटाई चल रही थी मिचेल स्टार्क की जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस आना स्टार्ट हो गए वहाँ पे मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई, लाइक जैसे कि टॉप फोर के मैचेस आए थे, क्वालिफाई के मैचेस आए थे, फाइनल का मैच आया था वहाँ पे मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। तो आप लोग समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में बड़े प्लेयर हमेशा डिलीवर करके देते हैं, तो मेरे हिसाब से आरसीबी टीम को जरूर मिचेल स्टार्क को शामिल करना चाहिए। देखिए बैटिंग का भी ऑप्शन आपको दे देते हैं, आप आराम से नंबर 8 नंबर 9 पेन से अच्छी खासी बैटिंग भी करवा सकते हो, तो मेरे हिसाब से मिचेल स्टार्क के पीछे जाना चाहिए। देखिए अब इनका प्राइस जो है 24 करोड़ तो अब नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपको मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, मिनी ऑक्शन तो है नहीं जहां पे कम प्लेयर होंगे, यहां पे प्लेयर बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहां पे इतना ज्यादा पैसा आपको नहीं फंसाना पड़ेगा, आपको आराम से 18 से 17 करोड़ या फिर 19 करोड़ में भी मिचेल स्टार्क आपको अपनी टीम में मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इतने में मिलते हैं तो आपको जरूर मिचेल स्टार्क को शामिल कर लेना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोगों का जो भी ओपिनियन हो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।